डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। पिछली क्लास हमने जो रीड की थी वो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित थी, आपने स्टडी की होंगी। और उन क्लासेज में मैंने राजस्थान के एकीकरण में कौन सी बातें इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी बातें कन्फ्यूज आप लोगों को करती है उनको अलग से छांट कर मैंने बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि राजस्थान के एकीकरण जब किया गया तो 19 रियासतों को किन किन चरणों में मिलाया गया और वर्तमान राजस्थान बनाया गया। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से सुने, पूरी सुने, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष अगर निकलता है ना तो पूरा सीन देखने के बाद ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पूरी बात का निष्कर्ष तभी निकलता है। इसलिए आप लोग पूरी क्लास देखें और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कोई भी कमी है तो वो भी बताएं और कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। ठीक है, देखिए राजस्थान का एकीकरण आप लोगों को पता है कि 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था भाई? 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितनी रियासतों को मिलाया गया था? रियासतें जो है वो मिलाई गई थी भैया, सबको पता है रियासतें कितनी मिलाई गई थी? 19 रियासतें मिलाई गई थी। ठीक है, फिर कितने ठिकाने मिलाए गए थे? कितने ठिकाने मिलाए गए थे ये भी सबको पता रहता है, 3 ठिकाने मिलाए गए थे। और कितना केंद्र शासित प्रदेश जो था वह कौन सा मिलाया गया था? वह अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा, ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, यह भी राजस्थान में मिलाया गया था और इनको मिलाकर के वर्तमान राजस्थान बनाया गया था। 3 ठिकाने कौन से हैं? यहां से प्रश्न निकल करके आता है, कौन कौन से 3 ठिकाने भाई? नंबर 1 नीमराणा, ठीक है, नंबर 2 लावा, नंबर 3 कुशलगढ़। सबको पता है, सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लेना कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, लावा और कुशलगढ़, सबको पता है। अब इन रियासतों को कैसे मिलाया गया, तो सबसे पहले प्रथम चरण की हम बात करेंगे। इसके चरण की, कौन से चरण की? प्रथम चरण की बात करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैप में भी बताएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले टॉपिक समझ में आ जाए ना, फिर उसको अपन मैप पे और देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छा हो जाएगा और आप एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो याद रखना जरूरी है, पहली बात यह है, प्रथम चरण में कौन सा संघ बनाया गया भाई? मत्स्य संघ बनाया गया। कौन सा संघ बनाया गया भाई? मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। मत्स्य संघ का निर्माण मैंने बताया आप लोगों को कि 18 मार्च 1948 को किया गया। मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को किया गया था, सबको पता है। प्रश्न यहां से बन जाता है भाई, क्या प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ नाम किसकी अनुशंसा पर दिया गया था? मत्स्य संघ किसकी अनुशंसा पर, किसी की, किसके सुझाव पर यह नाम रखा गया? तो आप, मैं बता दूं कि श्रीमान के एम मुंशी ने बताया कि नाम रख दो भैया मत्स्य संघ, कोई ना कोई नाम रखना बता ही देता है, क्या नाम रखें। के एम मुंशी ने कह दिया इसका नाम क्या रख दिया जाए? मत्स्य संघ रख दिया जाए। रख दिया के एम मुंशी, अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो कन्हैया को याद कर लेना, कन्हैया लाल, ठीक है, ये भी लाल है। फिर इसके साथ एक और नाम मिल जाता है, माणिक्य लाल, ठीक है, कैसे कन्हैया लाल, एम से माणिक्य लाल और मुंशी आपको है ही पता है, मुंशी इसका नाम रख दिया, के एम मुंशी, के एम मुंशी के नाम पर इसका नाम अपने क्या रख दिया, मत्स्य संघ नाम रख दिया भाई। क्या नाम रख दिया? मत्स्य संघ नाम रख दिया। और कई बार के एम मुंशी नाम आपको नहीं मिले तो इसका उपनाम भी आप लोग याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है। के एम मुंशी की जगह आप लोगों को क्या मिल सकता है ऑप्शन में? घनश्याम व्यास भी मिल सकता है बच्चा, क्या मिल सकता है? घनश्याम व्यास, क्योंकि ये इस उपनाम से भी जाने जाते थे। के एम मुंशी किस उपनाम से जाने जाते थे? घनश्याम व्यास के उपनाम से भी जाने जाते थे। तो प्रश्न तो यहां पर भी बनता है, प्रश्न तो यहां से भी बनता है ना, मत्स्य संघ किसके सुझाव पर दिया गया
आपके यहाँ मुंशी रट रहे हैं, वहां ऑप्शन में मिल गया घनश्याम व्यास, और घनश्याम व्यास अगर आपका गलत हो गया तो आप नहीं हो सकेंगे पास, नहीं हो सकेंगे ना। इसलिए अगर होना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास है तो याद रखें घनश्याम व्यास। घनश्याम व्यास किसका नाम था भाई? के एम मुंशी का उपनाम घनश्याम व्यास थे, ठीक है। और इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी, ये ध्यान में रखना। अब मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ और प्रश्न संभावना निकल करके आती है भाई, कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चार रियासतों को मिलाकर के किसका निर्माण किया गया भाई? मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अब देखिए यहां पर अलवर मिल रहा है, अलवर तो नीमराणा किसमें है भाई? अलवर में है। तो चार रियासतों मिलाई दी गई और अलवर में है नीम भी बो दीजिए, नीमराणा अलवर, ये ठिकाना भी किसमें मिला दिया गया भाई? प्रथम चरण में ही मिलाया गया। कौन सा ठिकाना? नीमराणा। एबीसीडी याद कर ले, उसके बाद में नीम पर चढ़ के बोलना एबीसीडी, समझ गए? नीम पर चढ़ के एबीसीडी बोलिए। और मत्स्य संघ कैसे बना ये सबको बताइए। एबीसीडी बोलनी है किसके ऊपर चढ़ करके? नीम पर चढ़ के बोलनी है। किसके कहने पर बोलनी है? के एम मुंशी के कहने पर बोलनी है। के एम मुंशी अगर नहीं मिले तो किसके कहने पर बोले भाई? घनश्याम व्यास के कहने पर बोल देना भाई, बोल दिया। ये थी बातें मत्स्य संघ की। कुछ और संभावनाएं बनती हैं, कंफ्यूज वाली बातें मैं पहले बता चुका हूं, और संभावनाएं क्या बनती है इसकी हम चर्चा करते हैं, उसका पर्चा पढ़ते हैं बच्चा। देखिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, संभावनाएं बहुत होती है किसी टॉपिक की, सारी संभावनाएं आप तलाश लेते हैं ना तो आपकी तैयारी मजबूत होती है। कोई कहीं थोत रह जाए, कोई कच्ची तैयारी रह जाए ना तो वो परेशान करती है। पूछ लें इसका, आपको एरिया भी पूछ सकते हैं कि मत्स्य संघ का उस क्षेत्रफल कितना था, ठीक है। तो 7536 और एरिया है, इसलिए इसका स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 7536 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। किसका? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? 7536 वर्ग किलोमीटर था। और भी प्रश्न बढ़ते हैं भाई, मत्स्य संघ की पॉपुलेशन कितनी थी? तो आप बताएंगे 183,000 पॉपुलेशन, ज्यादा नहीं थी भाई, ठीक है। 183 और 333 0, 183,000 इसकी पॉपुलेशन थी। इतने लोग मत्स्य संघ जो चारों जिलों चार जो रियासतें थी उनमें थे, याद रह जाएगा। एरिया 7536 183,000, तो आप पूछ लेंगे यार एचआर सर ये भी बता दो भाई इसकी वार्षिक आय कितनी थी, वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय थी 18,30,86,000 रुपए, 18,30,86,000 रुपए। एनुअल इनकम आपको पता है कि एनुअल इनकम किसे कहते हैं? वार्षिक आय कितनी थी बता दिया, 18 करोड़ और 30 लाख, इतनी कम एनुअल इनकम थी आज के दौर को देखते हुए तो, लेकिन 18 करोड़ उस समय बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, 18 करोड़ 30 लाख और 86,000 इनकी वार्षिक इनकम थी इनकी मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ की जो रियासतें थी उनकी टोटल ये इनकम थी। इन डाटाज को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन टॉपिक को पूर्ण करने के लिए कुछ बातें अपने को शामिल करना जरूरी है। एरिया 7536 वर्ग किलोमीटर, पॉपुलेशन 183,000, एनुअल इनकम 18,30,86,000 रुपए इसकी एनुअल इनकम थी। अब इस मत्स्य संघ को जो है हमने अलग रख लिया है, इसको पैकेट बना करके छोड़ दीजिए, इसमें कोई अन्य रियासतें नहीं मिलानी है, आप ध्यान में रखना। मत्स्य संघ जो है, प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता है, मैंने बता दिया पहले, राज प्रमुख कौन थे, उपराजमुख कौन थे, उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री कौन था, ये डाउटफुल क्वेश्चन जो है मैंने पहले निकाल दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मत्स्य संघ के बाद जो दूसरा चरण है, आप लोगों से पूछ ले मत्स्य संघ में प्रथम चरण में क्या हुआ, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और कौन सा ठिकाना मिलाया गया, नीमराणा ठिकाना मिलाया गया। और ज्यादा तेरे को पढ़ना है तो नीम पे चढ़ जाओ और एबीसीडी बोल दे और मत्स्य संघ को तोल दे भाई, आराम से आ जाएगा।
आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेकंड चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण क्या है भाई, द्वितीय चरण देख लीजिए। द्वितीय चरण में किसका निर्माण होता है भाई, पूर्व राजस्थान संघ, सबको पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, पूर्व राजस्थान संघ का गठन होता है। कौन से चरण में, द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण होता है। और इसमें अलग से भाई मत्स्य संघ अलग रह गया है, इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे, ये ध्यान में रखना। मत्स्य संघ प्रथम चरण में निर्मित हुआ, ठीक है, इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसको सेफ करके रख दिया है। अब द्वितीय चरण में हम रियासतें जो मिला रहे हैं ना, वो कौन कौन सी मिला रहे हैं, आप देखिए। रियासतों को याद करने का पहले टिप्स होना चाहिए, टिप्स याद रखो, क्योंकि ज्यादा जहां पर आ जाते हैं ना संख्या, उसको या तो आपकी मेमोरी शार्प हो या फिर कोई ना कोई टिप्स आप लोग बना ले, ताकि कन्फ्यूज नहीं होगा हो, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न अगर गलत हो जाए तो आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है, पता है ना। मैं कह रहा हूं, एचआर सर कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्रश्न जो है वो आपको गलत हो जाए तो कंपटीशन से बाहर कर सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखें कि प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में स्कूलों में कोचिंग में ज्यादातर क्या है, दो बाबू हम रखे लेते हैं, तो बाबू द्वितीय चरण, दो का मतलब होता है द्वितीय चरण में बाबू, बाबू अगर चपड़ासी नहीं हो तो झाड़ू निकालना पड़ेगा उसको, बाबू झाड़ू की को, बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप सांटो, ऐसे मैन मैंने कंफ्यूज नहीं होने वाला टिप्स बनाया है, कुशल प्रताप सांटो याद रखना, बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप सांटो, बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप सांटो, बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप सांटो, बोलते रहना बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप सांटो, कुशल प्रताप सांटो। ये टिप्स जो है इस प्रकार से ही मैंने बनाया ताकि आप लोग याद कर सकें। कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई है आप ध्यान में रखेंगे, कितनी रियासतें शामिल की गई है आप ध्यान में रखेंगे। बाबू का मतलब पहले तो बा से मतलब बांसवाड़ा, ठीक है, बू से मतलब बूंदी, बांसवाड़ा बूंदी, ये बाबू जी का काम हो गया भाई, बांसवाड़ा बूंदी। झाड़ू से क्या हो गया, नंबर तीन पे लिख देंगे झालावाड़, ठीक है, झांसे झालावाड़, और डू से डूंगरपुर, झाड़ू डूंगरपुर, दूसरा चरण पूरा करने वाले हैं भाई। कीको को मतलब किशनगढ़ और कोटा, किशनगढ़ कोटा, ध्यान में रखना। प्रश्न तो बनते हैं चार पांच छह। कुशल प्रताप सांटो, ठीक है, तो कुशल प्रताप सांटो कुशलगढ़ आ गया यहां पर भाई, कुशलगढ़ को मैं स्टार लगाऊंगा, और कुशलगढ़ क्योंकि ये क्या है, ठिकाना है, रियासत नहीं थी, कुशलगढ़, ठीक है। फिर प्रताप सांटो, प्रताप से प्रतापगढ़, प्रताप से क्या है भाई, प्रतापगढ़ है। फिर सांटो से क्या हो जाएगा, शाह से शाहपुरा, और टो से टोंक, याद रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, छह सात आठ और नौ, नौ रियासतें आप लोगों ने याद कर ली है कि नौ रिश, नौ दो, दो का मतलब दो नौ, आप याद करें दो नौ ग्यारह होते हैं, याद हो गए तो भाग जाते हैं, नौ दो ग्यारह होना भाग जाना, नौ दो ग्यारह होना है कि दूसरे चरण में नौ रियासतें मिलाई गई और एक ठिकाना मिलाया गया भाई। कौन सा ठिकाना, सब कुशल हैं, दूसरी बार पूछे तो भी बता देना भाई, सब कुशल हैं, कुशल मंगल हैं। तो बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप सांटो, ये नौ रियासतें किसमें मिलाई गई भाई, द्वितीय चरण में मिलाई गई। कौन से चरण में, द्वितीय चरण में नौ रियासतें और एक ठिकाना, द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में चार रियासतें और एक ठिकाना, ये अलग ही है, इसमें कुछ प्लस होता जाएगा, ठीक है। द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ बन गया है और नौ रियासतें हमने बता दी हैं और एक ठिकाना इसमें मिला दिया है। इतनी सी बात अगर आप लोगों को याद हो गई हो तो हम चलते हैं किसमें भाई, तीसरे चरण में। किसे, कौन से चरण में चलेंगे, तीसरे चरण की हम बात करेंगे। ये तो एकदम
कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। राजधानी अभी मैं पहले बता चुका हूं, ध्यान में रखना मैं रियासतें ही पढ़ा रहा हूं इसमें, कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी, इतनी सी बात आप इस क्लास में देखेंगे। तीसरी बात कौन सी है भाई, तीसरी बात है तीसरा चरण जो है उसमें क्या हुआ, देखो आप कौन सा चरण पढ़ेंगे, तीसरा चरण। और तीसरे चरण में जिस इकाई का गठन किया गया उसका क्या नाम था, सबको पता है कौन सा, संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, ध्यान में रखना संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण में है। कौन से चरण में, तीसरे चरण में, क्या खास बात है, तीसरा चरण है इसका मतलब। देखो तीन मैंने लिखा है ऐसे, ठीक है तीन लिख दिया। अब देखना आप इसमें एक रियासत मिला देता हूं, कौन सी रियासत मिल गई भाई, उदयपुर। तो आप लोगों से पूछ ले कि उदयपुर को मिला दिया गया भाई कौन से चरण में, तीसरे चरण में। उदयपुर को मिला दिया गया किस में, दूसरे चरण में। दूसरा चरण, दूसरा चरण क्या था, पूर्व राजस्थान, अपन चरण नहीं लिख करके पूर्व राजस्थान लिखेंगे। पूर्व राजस्थान में किसको मिला दिया गया, उदयपुर को मिला दिया गया, ठीक। आप देखिए पूर्व राजस्थान में कितने रियासतों को मिलाया गया था, नौ को। पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें मिलाई गई थी, नौ रियासतें। और ठिकाना कितना, एक ठिकाना। आगे बात समझे, एक ठिकाना और नौ रियासतें तो पहले से थी, अब प्लस में एक रियासत और मिला दी गई, कौन सी, उदयपुर। कौन सी रियासत मिला दी गई तीसरे चरण में, उदयपुर मिला दी गई भाई। तो उदयपुर मिला दी गई तो रियासतें टोटल कितनी मिला दी गई भाई तीसरे चरण तक, तीसरे चरण में दस रियासतों का विलय हुआ था, नौ का तो पहले, एक उदयपुर हमने मिला दिया। मत्स्य संघ अभी अलग है, चार रियासतें मत्स्य संघ की भी है, एक ठिकाना मत्स्य संघ का भी है, लेकिन वो अभी अलग है, ठीक है भाई। मैंने कहा कि 18 मार्च 1948 को जो है ना मत्स्य संघ बनाया गया था, लेकिन ये एक बात और ध्यान में रखें कि इन्होंने इसके ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे ना मत्स्य संघ ने, 27 फरवरी 1948 या 28 फरवरी 1948 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन इनको मिलाया कब था, 18 मार्च, समझ गए, 27-28 फरवरी को ही इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन मिलाया कब था, 18 मार्च 1948 को, यह ध्यान में रखना। ठिकाना, एक ठिकाना कौन सा भाई, बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप साटो शाहप्राटो, ठीक है। तो बाबू से मतलब बांसवाड़ा बूंदी, तो बांसवाड़ा में कौन सा मिला, कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ किसमें मिलाया गया था, बांसवाड़ा में मिला दिया गया था। कुशलगढ़ किसमें मिला दिया गया था भाई, बांसवाड़ा में मिला दिया गया था। तो बाबू झाड़ू की को कुशल प्रताप साटो, तो कुशलगढ़ किसमें मिलाया गया, बांसवाड़ा में मिलाया गया, किसमें मिलाया गया, बांसवाड़ा में, ठीक है। एक ठिकाना मिला दिया गया, एक रियासत मिलाई गई, और कौन से, राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में बना दिया क्या, संयुक्त राजस्थान बना दिया गया। अगली बात समझो, इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं कौन से चतुर्थ चरण में, कौन से चरण में, चतुर्थ चरण में, देखिए भाई क्या होता है चौथा चरण, याद रखेंगे भाई, याद रखना जरूरी है। चतुर्थ चरण फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चतुर्थ चरण है इसमें, आप लोगों को पता है कि अभी तक आपने दो तीन बातें देखी। प्रथम चरण इसमें मत्स्य संघ देखा, मत्स्य संघ में 4+1 चार रियासतें एक ठिकाना मिला दिया, इतनी बात पक्का है, पक्की पता है। दूसरा चरण आपने देखा पूर्व राजस्थान, क्या देखा भाई, पूर्व राजस्थान, और इसमें क्या मिलाया, नौ रियासतें प्लस एक ठिकाना, ठीक है। तीसरा चरण जो आपने देखा उसको क्या कहते हैं अपन, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में आपने क्या देखा कि नौ रियासतें तो थी, इसमें नौ रियासतें जो थी उसमें क्या कर दिया, एक रियासतें कौन सी मिला दी, उदयपुर को मिला दिया, ठीक है। तो कितनी हो गई, 10 रियासतें 10R प्लस 1T, एक ठिकाना वो था, ये 1T कर लो, यहां पर भी 1T है, ये अभी भी अलग है, ये ध्यान में रखना। मत्स्य संघ क्या है, अभी भी अलग है। इनमें पूर्व राजस्थान में या नौ रियासतों में जो द्वितीय चरण में मिलाई गई थी ना दो नौ, ठीक है, वो उनमें शामिल नहीं है मत्स्य संघ, अभी अलग है।
संयुक्त राजस्थान हो गया। अब चौथा चरण कौन सा है? वृद्ध राजस्थान। कौन सा है? वृद्ध या वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया चौथे चरण में। डेट क्या है? वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब किया गया था? 18 मार्च 1949 को। ठीक है, डेट भी पहले मैं याद करवा चुका हूं, इसलिए कई बार यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं। पहले पिछली जो क्लासेज हैं उनमें मैंने याद करवा दिया 30 मार्च 1949 को। और यहां से हम क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को, क्योंकि इसमें अपने चार बड़ी रियासतों का विलय करते हैं। इसमें संयुक्त राजस्थान में चार बड़ी रियासतें, तो चौथे चरण में क्या हो जाता है? संयुक्त राजस्थान जो है, संयुक्त राजस्थान उसमें क्या मिलाते हैं भाई? प्लस चार रियासतें मिला देते हैं, चार रियासतें। अब याद करने वाली बात तो ये है ना, चार रियासतें कौन सी थी? 3J प्लस B। ठीक है, 3J मतलब तीन तो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। सिंपल सा है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी से बीकानेर। ये चार रियासतें मिला दी गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 3J प्लस B, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। खास बात एक और आप लोग ध्यान में रखेंगे, जयपुर मिला रहे हैं ना, तो जयपुर में एक ठिकाना और मिला देते हैं इसी चरण में संयुक्त राजस्थान में। कौन सा भाई? लावा। कौन सा ठिकाना मिलाते हैं? लावा ठिकाना किसमें मिलाते हैं? जयपुर में विलय कर देते हैं। तो ठिकानों का काम हो गया भाई। ठीक है, तीन ठिकाने मिल चुके हैं। पहला ठिकाना जो है नीमराणा अलवर में मिलाया गया प्रथम चरण में। दूसरा जो ठिकाना है वह तीसरे चरण में कौन से मिलाया गया? यहां पर ही दूसरे चरण में एक ठिकाना और मिला दिया गया। पहले, दूसरे और चौथे चरण में ये तीनों ठिकाने मिला दिए गए, ये ध्यान में रखना। क्योंकि सिंपल सा टिप्स है, जब जब जो रियासतें मिली ना, उसमें जो ठिकाना मिलना था वो उसी समय मिला दिया। जैसे जयपुर, कुशलगढ़, ये लावा किसमें पड़ता था? जयपुर में, जयपुर में पड़ता था ना, तो इसलिए उसको जब जयपुर का विलय किया गया तभी लावा को भी मिला दिया गया, काम खत्म। अगले बात समझ में। तो चतुर्थ चरण जो है उसमें बृहत राजस्थान का निर्माण होता है, और उसमें क्या होता है? संयुक्त राजस्थान में चार रियासतें मिलाई जाती हैं। कौन कौन सी? 3J प्लस B। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पंचम चरण जो है उसमें क्या हुआ वो भी देख लीजिए। चार चरण में जयपुर का विलय कौन से चरण में हुआ? चौथे चरण में हुआ भाई जयपुर का विलय। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे भाई चौथे चरण की एक दो बात और खास बातें हैं जो चौथे चरण में की गई हैं। कि चौथा चरण जो था उसमें कई विभागों की भी स्थापना की गई थी भाई। अपन राजस्थान दिवस ऐसे थोड़ा मनाते हैं, कुछ ना कुछ विभाग स्थापित किए गए थे। जैसे मान लो राजस्थान में एक तो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कौन से विभाग की स्थापना की गई ध्यान में रखना? कौन से चरण में शिक्षा विभाग की स्थापना कौन से चरण में की गई थी? प्रश्न तो बनता है। शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, शिक्षा विभाग हो गया, न्याय विभाग हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों को पता है वन विभाग भी स्थापना उसी समय हो गई थी। राजस्थान दिवस मना रहे हैं 30 मार्च 1949 से, तो भाई शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, वन विभाग, फिर कृषि विभाग और खनिज विभाग, कृषि विभाग की भी स्थापना हो गई। कृषि विभाग सबको पता है, और खनिज विभाग। ठीक है, शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहां बनाया गया था? न्याय भी 5% बनते हैं अलग अलग, इसलिए इन पे ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा विभाग चतुर्थ चरण में, न्याय विभाग चतुर्थ चरण में, वन विभाग चतुर्थ चरण में, कृषि विभाग चतुर्थ चरण में, और पंचम चरण जो है उसमें खनिज विभाग। ठीक है, खनिज विभाग की स्थापना किसमें की गई थी, कहां पर की गई थी? चौथे चरण में ये सारे विभाग स्थापित किए गए। और शिक्षा विभाग कहां बनाया गया था? तो आप अजमेर पे टिक मत कर देना, गलती यहां होती है। अजमेर पे टिक किया और आपका आंसर गलत है। शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहां पर बनाया गया? बीकानेर में। भाई जो रियासत मिलाई गई थी ना चतुर्थ चरण में, बीकानेर मिलाई गई थी, तो बीकानेर में शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहां पर बनाया गया? मुख्यालय में, बीकानेर में। और आज भी जो
निदेशक महोदय बैठते हैं वो कहां पर भी, निदेशालय कहां है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर में ही है भाई, ध्यान में रखना। तो शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, बीकानेर में बनाया गया था। फिर न्याय विभाग आपको पता ही है जो जोधपुर में अब भी वहीं पर है, जोधपुर, जोधपुर को भी मिलाया गया था। वहां पर कौन से विभाग की स्थापना कर दी थी भाई, न्याय विभाग की स्थापना कर दी थी। वन विभाग की स्थापना कहां पर की गई, कोटा में। वन विभाग की स्थापना कहां पर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वहां पर सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसी हिसाब से कोटा। वन विभाग की स्थापना कहां पर, कोटा में की गई। और कृषि विभाग की स्थापना कहां पर की गई, भरतपुर में की गई भाई, कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर में, याद रखो। शिक्षा विभाग बीकानेर में, न्याय विभाग जोधपुर में, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, और खनिज विभाग जो है वह उदयपुर में। इन विभागों की स्थापना की गई, ध्यान में रखना। ये कौन से कब की गई थी, 30 मार्च 1949 को चतुर चरण के दौरान इन विभागों की स्थापना की गई। इनके मुख्यालय ये बनाए गए, शिक्षा विभाग का बीकानेर में, न्याय विभाग का जोधपुर में, वन विभाग का कोटा में, कृषि विभाग का भरतपुर में, और खनिज विभाग का उदयपुर में। अब प्रथम चरण में मत्स्य संघ अभी भी अलग ही बैठा है, इसको भी अपन को लाना पड़ेगा भाई, इसको भी कहां लाना पड़ेगा, इनमें जो रियासतें मिला चुके हैं अब ये अलग ही थोड़ा रहेगा, इसको मिलाओ तो 5 आदमी बैठेंगे तभी कोई काम बैठेगा भाई। मत्स्य संघ में पांचवें चरण में संयुक्त और बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण होता है भाई, ध्यान में रखना, संयुक्त बृहद राजस्थान, ये बहुत बढ़िया बात है। पांचवा चरण हम पढ़ेंगे, पांचवा चरण हर जगह कुछ ना कुछ खास बात है। पांचवा चरण का नाम तो क्या दिया गया था, संयुक्त बृहद राजस्थान, ठीक है। निर्माण कब हुआ था, 15 मई 1949 को, ठीक है। क्या हुआ था भाई, इसमें जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण को कौन से चरण में मिला दिया गया था, चतुर्थ चरण में मिला दिया गया था। ये ध्यान में रखें, ये कुछ बातें हैं। प्रथम चरण में चतुर्थ चरण को मिलाया गया, यानी कि मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया गया, संयुक्त बृहद राजस्थान है तो बृहद राजस्थान में मिला दिया गया। कौन से राजस्थान में, बृहद राजस्थान में मिला दिया गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मत्स्य संघ को किसमें मिलाया गया, बृहद राजस्थान संघ में मिलाया गया। कुछ खास बातें आप इसकी ध्यान में रखेंगे, पांचवें चरण में कुछ खास बातें होती हैं, और उन खास बातों को अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो वो प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। क्या खास बातें हैं कि धौलपुर व भरतपुर का जो शासक थे, धौलपुर भाई, मत्स्य संघ में कौन कौन से थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, आगे बात समझ में। लेकिन भरतपुर व धौलपुर, बीडी, ये बीडी पीने वाले हैं ना, ये क्या है कि मत्स्य संघ में शामिल होना नहीं चाहते हैं, ये कह रहे थे कि हम तो यूपी में शामिल होंगे भाई। भरतपुर व धौलपुर क्या कह रहे थे, भरत व धौल, दोनों के पुर तो लगा हुआ ही है कि भरत और धौल क्या कह रहे थे कि हम तो किसमें शामिल होना चाहते हैं भाई, यूपी में शामिल होंगे, राजस्थान में नहीं होंगे, राजस्थान में वैसे ही रेगिस्तान है, हम कहां शामिल होंगे, हम तो यूपी में ही शामिल हो जाते हैं। ये कौन कौन से शासक कह रहे थे, भरतपुर व धौलपुर के शासक ये कह रहे थे, ये रियासतें किसमें शामिल होना चाहती थी, यूपी में शामिल होना चाहती थी, हम बृहद राजस्थान में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन किसने एक समिति बनाई गई इनको मिलाने के लिए, किसमें मिलाने के लिए, बृहद राजस्थान में मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन से थे, शंकर राय देव की अध्यक्षता में, प्रश्न बनता है भाई ध्यान रखना, शंकर राय देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति के अन्य अध्यक्ष कौन थे, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और आर के रंघावा, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और आर के रंघावा समिति। इन्होंने इसको क्या किया, मत्स्य संघ को इन्होंने क्या किया भाई, रियासती विभाग को पत्र लिखा कि भाई ये उसमें शामिल होना चाहते हैं, इसको प्लीज राजस्थान में शामिल कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। रियासती विभाग को इन्होंने पत्र लिखा था, इसने शंकर राय देव ने, और अध्यक्ष कौन कौन थे भाई, हिम्मत सिंह थे, प्रभुदयाल थे, आर के रंघावा समिति थे, इन्होंने रियासती मंत्रालय को पत्र लिखा,
ये ऐसे ऐसी बात है, ये दोनों जो रियासतें हैं वो तो भरतपुर व धौलपुर जो है बीडी, ये किस में शामिल होना चाहते हैं, यूपी में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, और राजस्थान में मिला दें तो ये राजस्थान थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। तो उसकी सिफारिश जो है वो शंकर जी ने की थी, तो शंकर जी ने सिफारिश की और भरतपुर धौलपुर भी किस में अब शामिल हो गया, राजस्थान में शामिल हो गए और संयुक्त वृहद राजस्थान बना दिया गया। इतनी सी बात और आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे टोटल कितने रियासतें मिल गई हैं, आप लोगों को पता है, इतने भी ध्यान में रखना कि चार रियासतें तो मिल ही गई हैं प्रथम चरण की, दूसरे चरण में नौ रियासतें मिल गई थी, तीसरे चरण में उदयपुर को मिला दिया गया था, ठीक है, और चतुर्थ चरण में चार रियासतें और मिल गई थी 3J+B, ठीक है, पांचवें चरण में चार रियासतें और मिल गई है मत्स्य संघ की। तो दूसरे से लेकर के भाई प्रथम चरण का ये चार रियासतें यहां पर वापस मिल रही हैं, इसलिए इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। तो 9, 1, 10 और 4, 14 और 4, 18 18 रियासतें हम मिला चुके हैं। इसके अलावा एक ठिकाना प्रथम चरण में मिल गया था, दूसरा ठिकाना दूसरे चरण में मिल गया था, तीसरा ठिकाना चतुर्थ चरण में मिल गया था। इसका मतलब ठिकानों का भी काम तमाम। भाई प्रथम चरण में कौन सा मिल गया था, नीमराणा, ठीक है, किसमें मिला था, अलवर में। दूसरे में कुशलगढ़ मिल गया था, किसमें मिल गया था, बांसवाड़ा में। तीसरे चरण में कौन मिल गया भाई, लावा, किसमें मिल गया, ये चतुर्थ चरण में लावा किसमें मिल गया था, जयपुर में। तो तीन ठिकानों का काम हो गया है और 18 रियासतों का काम हो गया है, उनको मिलाने का काम हो गया है। अब एक रियासत मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश बच रहा है, उसको किसमें मिलाएंगे भाई, केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा बच रहा है, अजमेर मेरवाड़ा, और रियासतें कौन है, रियासत कौन सी बच रही है, सिरोही बच रही है। तो पहले सिरोही को ले लेते हैं भाई, केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसको अलग देखेंगे, सिरोही को ले लेते हैं। सिरोही को कैसे मिलाया गया, कब मिलाया गया, ये ध्यान में रखना। तो मैं इंपॉर्टेंट बात है इसमें, सिरोही के विलय में कई बार प्रश्न आ जाता है, तो बात करते हैं छठे चरण की। छठा चरण है एकदम छठा, बिल्कुल नहीं है खट्टा, छठा चरण, ठीक है। नाम क्या देते हैं, राजस्थान संघ, और छठे चरण में किसका विलय होता है, खास बात ध्यान रखना, छठा चरण जो होता है, तीसरे में तो मैंने बता दिया, तीसरा लिखेंगे तो उदयपुर शुरू होता है, तो उदयपुर का विलय हो जाता है। छठे चरण में क्या होता है भैया, छठे चरण में सिरोही का विलय होता है, किसका विलय कर देते हैं उसमें, सिरोही का विलय। 18 रियासतें हमने पहले मिला चुके हैं संयुक्त वृहद राजस्थान तक, 18 रियासतें हैं, एक रियासतें और मिला दी सिरोही वाली, टोटल रियासतें मिला चुके हैं 19, और ठिकाने भी कितने मिला चुके हैं, 3, ठीक है, दो स्टेप अपने क्लियर हो गए हैं। लेकिन सिरोही के विलय से क्या प्रश्न बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सिरोही का विलय देखिए क्या खास बात पूछते हैं, कि सिरोही जो है ना, उसकी कुछ रियासतें जो है, कुछ भाग वह इसमें राजस्थान में नहीं मिलाया गया था छठे चरण में, ठीक है, कौन कौन से भाग राजस्थान में नहीं मिलाए गए थे, आबू व देलवाड़ा जो है, इनको क्या किया भाई, 7 फरवरी 1950 को मुंबई प्रांत में मिला दिया गया था, ध्यान में रखना, आबू व देलवाड़ा को 7 फरवरी 1950 को मुंबई प्रांत में मिला दिया गया। आगे बात समझ में, अब हुए देलवाड़ा को, ठीक है, और शेष सिरोही जो है ना, बाकी की इनके अलावा शेष सिरोही को ध्यान में रखना, अब हुए देलवाड़ा को 7 फरवरी 1950 को मुंबई प्रांत में मिला दिया गया था। अब हुए देलवाड़ा के अलावा जो भी सिरोही बस्ती है उसका शेष सिरोही आप कह सकते हो, इसको राजस्थान में मिलाया 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ये आप बात ध्यान में रखना कि आबू व देलवाड़ा को 7 फरवरी मुंबई प्रांत में कब मिलाया गया, 7 फरवरी 1950 को, और शेष सिरोही इनके अलावा 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, तब सिरोही का विलय किया गया, कौन से दो इनकी जो स्थान है उनको छोड़ करके, आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसको भाई, किसकी
इसका ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि आबू व देलवाड़ा जो है वह 7 फरवरी 1950 को मुंबई प्रांत में मिला दिए गए थे और शेष सिरोही को 26 जनवरी 1950 में मिलाने का फैसला किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको राजस्थान संघ में मिलाया जाएगा, लेकिन इसको भी किसको कब मिलाया गया था, 7 फरवरी क्रियान्वति इस आदेश की हुई थी 7 फरवरी 1950 को, ये ध्यान में रखना 7 फरवरी 1950 को ही इसकी क्रियान्वति हुई थी सिरोही के विलय की, ठीक है। फैसला कब लिया गया था, 26 जनवरी 1950 को, और क्रियान्वयन इस आदेश का हुआ 7 फरवरी 1950 को, ये ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है, सिरोही का जब विलय का क्रियान्वयन की बात आती है तो डेट कौन से आंसर में आ सकती है, 7 फरवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब सातवें चरण में, इस पे फोर्स रखना जरूरी है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। 7 फरवरी 1950 को मुंबई प्रांत में इसको मिलाया गया था। देखिए नेक्स्ट सातवां चरण, सातवां चरण जो है उसमें क्या है, सिंपल सी बात है, आपको डेट पता है ही, 1 नवंबर 1956 जब राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, तब सातवां चरण जो स्टार्ट होता है। इसमें खास बात है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बना, ये ध्यान में रखना पहली बात हो कि अजमेर मेरवाड़ा ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर मेरवाड़ा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, और अजमेर मेरवाड़ा का विलय जो है कौन से चरण में किया गया था, सातवें चरण में किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब किया गया था, सातवें चरण में किया गया था, यह बात आप लोग ध्यान में रखें। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अजमेर के अजमेर मेरवाड़ा के बारे में पूछ लेते हैं, अजमेर मेरवाड़ा उस समय की कंडीशन क्या थी, तो अजमेर मेरवाड़ा की कंडीशन यह थी कि उस समय यह सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी के अंतर्गत वो राज्य आते थे जो किसके, जिनके ऊपर केंद्र शासित प्रदेश जिनको हम कहते थे ना, जिसका सीधा किसका अधिकार था, अंग्रेजों का, और अंग्रेजों का कोई एजेंट जैसे एजीजी जहां पर बैठता था, वो राज्य कौन सी श्रेणी में आते थे, सी श्रेणी में आते थे। तो अजमेर मेरवाड़ा जो है सी श्रेणी का राज्य था, और उस समय यहाँ का प्रधानमंत्री जो था, उस समय प्रधानमंत्री भी यहाँ पर थे, जो उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय थे उस समय जब इनका विलय किया गया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा का प्रधानमंत्री कौन था, हरिभाऊ उपाध्याय था, कौन सी श्रेणी का, सी श्रेणी का राज्य था। इसके अलावा दो बातें और क्या होती हैं, इसके अलावा यह होता है कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा जो मुंबई प्रांत में शामिल कर गए थे, उसको वापस से किसमें शामिल कर दिया गया भाई, इसमें सिरोही में मिला दिया गया, ठीक है। आबू देलवाड़ा जो है वो किसमें मिला दिया गया, सिरोही में मिला दिया गया, यानी कि राजस्थान में मिला दिया गया, और सुनेल टप्पा क्षेत्र भी राजस्थान में मिला दिया गया, सुनेल टप्पा क्षेत्र, और सिरोंज क्षेत्र जो है वो कहां पर मिला दिया गया, मध्य प्रदेश का सिरोंज क्षेत्र जो है वह इसमें मिला दिया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे, सुनेल टप्पा राजस्थान में और सिरोंज क्षेत्र जो है वो कहां पर भेज दिया गया अभी, एमपी में। सिरोंज क्षेत्र कहां पर भेज दिया गया, एमपी में, पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, तो सिरोंज क्षेत्र तो जो है वो एमपी में भेज दिया गया था, और एमपी से सुनेल टप्पा क्षेत्र कहां पर ले लिया गया था, राजस्थान में ले लिया गया था। तो याद रखें, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा, ये तीन राजस्थान में मिलाए गए थे, एमपी में राजस्थान से जो सिरोंज क्षेत्र जो है वह एमपी में मिला दिया गया था, इतनी सी बात आप ध्यान में रखें। इस प्रकार राजप्रमुख की जगह राज्यपाल बना दिए गए गुरुमुख निहाल सिंह, और राजस्थान का एकीकरण यहां पर फिनिश होता है, ठीक है। बात ध्यान में रखेंगे कि कुछ खास खास बातें भी थी इसमें, तो आप लोग ध्यान में रखें, ये क्लास थी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। अगली क्लास में हम नया टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, थैंक यू, धन्यवाद।